नमस्ते दोस्तों। तो आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ अबाउट स्ट्रेप्टोग्रामिन्स। ठीक है, स्ट्रेप्टोग्रामिन्स दो दवाइयाँ होती हैं विच आर वेरी कॉमनली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टाफ ऑरियस। ठीक है, VRSA में दिया जाता है, ड्रग ऑफ चॉइस अगर आपको याद हो। पहले पहले मैं आप लोगों को स्ट्रेप्टोग्रामिन्स के नाम बता दूं। जैसे आप क्वीन देख रहे हो, कंगना रनौत की एक फिल्म थी, एंड कंगना रनौत इज़ अ वेरी प्रिस्टीन क्वीन, प्रिस्टीन और स्पॉटलेस। कंगना रनौत इज अ प्रिस्टीन क्वीन। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, ताकि आप इसका नाम याद कर सको, क्वीनू प्रिस्टिन, क्वीन से क्वीनू प्रिस्टिन। सो क्वीनू प्रिस्टिन का कॉम्बिनेशन दिया जाता है एक और दवाई के साथ, जिसका नाम होता है डाल्फोप्रिस्टिन। सो क्वीनोप्रिस्टिन एंड डाल्फोप्रिस्टिन, क्वीनोप्रिस्टिन एंड डाल्फोप्रिस्टिन, इसका कॉम्बिनेशन जिसके ट्रीटमेंट में दिया जाता है उसका नाम है वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टाफ ऑरियस। वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टाफ ऑरियस, जिसको हम वर्सा भी कहते हैं। तो अगर आप रिकलेक्ट करोगे, मैं पहले आपको ये चीज़ बता चुका हूँ कि जो वर्सा होता है कहीं भी पूरी बॉडी में VRSA का इन्फेक्शन हो, सो ड्रग ऑफ चॉइस इज ऑलवेज डैप्टोमाइसिन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर वर्सा इज डैप्टोमाइसिन, एक्सेप्ट, बस एक एक्सेप्शन आप लोगों को याद रखना है, वर्षा अगर निमोनिया में होता है, एक्सेप्ट मतलब वर्षा निमोनिया। इफ वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टाफ ऑरियस कॉजेज निमोनिया, जैसे कि वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टाफ ऑरियस ने निमोनिया कॉज करा है, तो सिर्फ और सिर्फ उस केस में द ड्रग ऑफ चॉइस विल बी लाइनिजोलिड। सिर्फ वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टाफ ऑरियस निमोनिया में लाइनेजोलिड देंगे, बाकी सब में डैप्टोमाइसिन देंगे। क्विनोप्रिस्टिन और डाल्फोप्रिस्टिन भी दे सकते हैं। सो दिस ब्रिंग्स मी टू एन एंड ऑफ टुडेज एपिसोड। अगले एपिसोड में बात करेंगे, तब तक के लिए करुण कुमार साइनिंग ऑफ। बाय बाय।